नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मकर राशि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि अप्रैल 2017 का महीना कैसा जाने वाला है, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो लग्नेश शनि जो है वो द्वादश भाव में विराजमान है, तो तबीयत खराब होने के चांसेस आपके बने हुए हैं दोस्तों। स्पेशली बाएं कान में या बाएं आंख में कुछ समस्या दिखाई दे सकती है, तो आप सावधान रहें। इस बारे में ज्यादा समस्या हो तो डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाएं। द्वितीयेश भी शनि है, वो भी द्वादश भाव में विराजमान है, तो जरूर और जरूर अपने तबीयत का ख्याल आपको रखना है इस महीने। तीसरे स्थान पे उच्च के शुक्र और सूर्य विराजमान है, तो पराक्रम आपका काफी स्ट्रांग बना हुआ है, काम की जगह पे अपना परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा दे रहे हैं। चौथे स्थान पे चतुर्थेश मंगल साथ में बुध विराजमान है, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है। आपको अपने सुख के जगह पे अच्छा प्रॉफिट, या आप अगर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा योग बना हुआ है इस महीने, तो जरूर और जरूर इन्वेस्ट करें। कोई लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो जरूर अपना पैसा लगा सकते हैं, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं दोस्तों। पंचम स्थान पे उच्च का चंद्रमा विराजमान है, मतलब आपका सप्तमेश पंचम भाव में विराजमान है, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है। आपकी पत्नी के साथ आपका जो तालमेल है काफी बेहतरीन बना हुआ है दोस्तों, दोनों के बीच काफी रोमांस का माहौल बना हुआ है, तो जरूर और जरूर दांपत्य जीवन को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए। छठे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो ये हो सकता है कि आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि आजकल इन मामलों में थोड़ी फ्रॉडनेस ज्यादा बढ़ी हुई है, तो जो भी करें थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो अष्टम भाव में जब राहु विराजमान होते हैं तो वो आपको काफी सावधान बनाते हैं, तो आप अपने काम की जगह पे या आपका जो इस महीने का टोटल परफॉर्मेंस में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सावधान रहेंगे और सावधानी बरतते हुए अपना काम करेंगे। नवम भाव में गुरु विराजमान है, तो गुरु जब नवम भाव में आते हैं तो बहुत बहुत अच्छा भाग्य होता है, इंसान को तरक्की देते हैं वो, तो इस महीने आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस है अगर आप जॉब कर रहे हो तो, और अगर आपका बिजनेस है तो कोई अच्छी डील या कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट दे सकता है इस महीने। दशमेश शुक्र जो है वो उच्च के तीसरे भाव विराजमान है, तो परफॉर्मेंस के तो आपके चौके और छक्के और सेंचुरी सब एक साथ लग रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा इस महीने। एकादशेश स्वग्रह होकर भी चतुर्थ भाव में स्थित है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इनकम के, तो आपके कहने क्या है, इस महीना आपका जो है बिल्कुल लॉटरी का टिकट जैसा झटके का इनकम होने वाला है, तो दोस्तों ये महीना काफी उत्तम है आपके लिए, बिल्कुल अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपने अप्रैल महीने को अच्छी तरीके से इंजॉय करते हुए बताइए। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।